बस चुप रहती है मेरी ही तरह। नहीं जाए ना, आप थोड़ी देर रुक जाए। बेटा मैं यहाँ रुकी तो आपका घर गंदा हो जाएगा। नहीं होगा गंदा पापा, देखिए मेरे हाथ साफ है, मेरे भी। तुम ये मत समझना कि बच्चों के जरिए तो हमेशा के लिए यहाँ रह सकती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ज्यादा चलाकी मत करना मेरे सामने। जैसे ही तुम्हारे रहने का इंतजाम हो तुम्हें जाना होगा यहाँ से। माफ कीजिएगा लेकिन आपकी सोच बहुत बेहूदा है। मैं सब कुछ इंसानियत और हमदर्दी की वजह से कर रही थी। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। तुम बच्चों की आया हो, आया बन कर रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो तुम। अगर आपकी यही सोच है तो मैं यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुक सकती। मैंने जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी, तुमसे मांग रहा हूँ। I'm sorry। बाकी मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। तुम आराम से रह सकती हो यहाँ पर, अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। आप मामा तो याद करता रोती है। मैं नहीं रो सकती। रो सकती हो, रोने में तो कोई बुराई नहीं। आपको पता है मेरे स्कूल में सब बच्चों की मामा होती है। मामा को बहुत मिस करती हूँ। वो मुझे रोज स्कूल छोड़ने आती थी पिंक कलर के कपड़ों में। सब बच्चों की मामा है तो अल्लाह ताला ने मेरी मामा क्यों ले ली? अल्लाह मियाँ हमसे नाराज हैं इसलिए? नहीं, अल्लाह मियाँ बिल्कुल हमसे नाराज नहीं है। उन्होंने तो अपनी नबी की मामा को भी अपने पास बुला लिया, वो तो उनका फेवरेट है। फिर भी नबी वो तो है। आपको नहीं पसंद, आप लोग चेंज कर लो, फिर आपको उनके किस्से सुनाऊंगी, ठीक है? आ जाओ ऋषा, होमवर्क कर लो। मैं खुद से कर लूंगी। बहुत चैटिंग होगी, चलो आओ, टाइम वेस्ट ना करो। देखा, उनको नहीं पता ना आप होमवर्क कर रही हो। मैं जाके बता देती हूँ। नहीं, आप नहीं बताएंगी। इतना गुस्सा नहीं करते, वो आपके बाबा है। गुस्से विशाल और शिला के बाबा है। ऐसा नहीं कहते, वो हर्ट होंगे। आपको पढ़ाना है तो पढ़ाए, नहीं तो मैं अपना होमवर्क खुद से कर लूंगी। आपको पता है बिल्कुल अपने बाबा जैसे। मुझे बाबा जैसे नहीं बनना। तो इतना गुस्सा मत करो, स्माइल करो, हंसो। अच्छा अरिशा, तुम बुला रहा हूँ, सुन भी नहीं रही हो। मुझे आपके साथ होमवर्क नहीं करना। बदतमीजी मत करो, फौरन चलो। मुझे नहीं जाना। सिला और ऋषा शोर मचाते हैं और मुझे होमवर्क भी नहीं करने देते हैं। तुम वैसे भी कौन सा होमवर्क करती हो, रोज शिकायतें आती हैं स्कूल से। अरे चलो पढ़ो मत, बैठो मेरे साथ आके। मैं नहीं बैठूंगी। तुम ऐसे नहीं सुनोगी, चलो चलो। प्लीज मत करें ऐसा, मैं इसे होमवर्क करवा लूंगी, आप जाइए। अब अगर शिकायत आई ना फिर देखना। आपको कहती हूँ ना, इतना गुस्सा नहीं करते। चलो आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या वो खैरियत? अरिशा ने फिर मिसबिहेव किया क्लास में। मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया। उसका मतलब फिर फेल हो गई है। मैं उस बेवकूफ लड़की से कह रहा था कि अरिशा को प्यार के नहीं मार की जरूरत है। मुझे पता था ये तो होना था। आप अभी भी गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली अरिशा ने मेरे साथ पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया। वो बताती नहीं कि क्या कर रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में, और ये सब कुछ नई मेड की वजह से हुआ है। मैंने कल उसे डांटा भी था, वो ही खराब कर रही है इसे। खैर आप फिक्र मत करें, मैं निकाल दूंगा उसे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अरिशा में तो इतना अच्छा चेंज आया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं हैरान थी कि जो बच्ची ना खुद पढ़ती है ना दूसरों को पढ़ने देती है, वो कैसे बदल गई। अब समझ में आया, ये उसी मेड का कमाल है। क्या चेंज आया है? ये देखिए, फुल मार्क्स। किसके पेपर है? आप खुद देखिए ना। अरिशा, ये अरिशा के पेपर है? जी बिल्कुल। उसके फुल मार्क्स हैं? जी बिल्कुल। उसने तो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास का सर्टिफिकेट भी लिया है। आप सच कह रही हैं?
अरिशा के पास है, आप चेक कर लीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। कैसा रहा दिन? मजा आया? टीचर ने मुझे स्टार भी दिया। मैंने तो लंच भी ले लिया, सारा लंच सुशांत खा गया। कोई बात नहीं, कल से आपको डबल लंच बना के दिया करूंगी। अरिशा चलो आओ, तुम भी मिलो आंटी से। मुझे नहीं मिली। दिखाओगी नहीं तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर तुम हाथ क्यों छुपा रही हो? बस मेरी मर्जी। क्या है इसके हाथ में? पूछो इससे। बताओ ना। कुछ नहीं है, कोई गलत चीज होगी, डांट पड़ेगी। कोई गलत चीज नहीं है भाई। आपको पता है आज अरिशा को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास का सर्टिफिकेट मिला है। और मैं फुल मार्क्स मिले। सच्ची? दिखाइए। मुझे पता था तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। क्यों मैं बताऊँ अरिशा, कहाँ खाना खाओ, कहाँ चलोगे? मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मैं तो गंदी हूँ ना, मैं तो होमवर्क भी नहीं करती, मैं तो हमेशा चैटिंग करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है अरिशा, वो बाबा हैं आपके, कितना खुश थे वो आपके लिए, कितना प्यार कर रहे थे आपको, और आपने उन्हें ऐसे बोल दिया, अच्छी बात तो नहीं है ना ये? वो मेरे लिए खुश नहीं थे, वो मेरे सर्टिफिकेट की वजह से खुश थे। अगर अभी मैं फेल होती ना, आपको पता चलता वो मेरे साथ क्या करते। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आपको मेरे बाबा के बारे में नहीं पता, जब मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं तभी वो मुझे प्यार करते हैं, और मेरी मामा मुझे हर दफा प्यार करती थी, चाहे मैं फेल भी हो जाऊँ मुझे गले लगाती थी और बोलती थी नेक्स्ट टाइम कोशिश करो कि फर्स्ट आओ। जब मैं बाबा को अच्छी नहीं लगती तो मैं उनके साथ क्यों जाऊँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रिशा, आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप इस दुनिया की बेस्ट गर्ल बन जाओ, और ये भी चाहते हैं कि आप किसी से पीछे ना रहो। पता है मेरे बाबा भी ऐसे ही थे, बहुत गुस्सा करते थे, बहुत डांटते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे। वो सिर्फ ये चाहते थे कि मैं किसी से पीछे ना रहूं और मुझे कोई भी बुरा ना कहे। लेकिन मेरे बाबा ऐसा नहीं सोचते। ऐसा ही सोचते। आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने उनकी आंखों में देखा है। आप उनकी सबसे प्यारी गुड़िया हो, जितना आपसे प्यार करते हैं उतना किसी से भी नहीं करते, सिला और इशाल से भी नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। देखना आप फेल भी होगी ना तब भी आपके बाबा आपको नहीं डांटेंगे। डांटेंगे? नहीं डांटेंगे, मैं जानती हूँ उनको पता है कि मोहब्बत शर्तों पर नहीं होती, मोहब्बत तो बेनियाज होती है, बेलॉस होती है और हर हाल में होती है। मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। छोड़ो। अच्छा बताओ आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? मैं बाबा को कहूंगी कि वो आपको वहां लेके चले। मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? बस अरिशा प्लीज बताओ। मेरी मामा को तो पता होता था कि मुझे कहाँ जाना है, उन्हें भी पता होना चाहिए। चले कुछ तैयार है। आपको उसकी परवाह नहीं है, कोई ऐसी जगह जहाँ वो अपनी मामा के साथ जाती होगी।
हाँ है तो सही, लेकिन फेवरेट जगह नहीं हो सकती, क्योंकि वो अक्सर क्लब से वापसी में उसको वहां ले जाया करती थी। बस फिर वो ही जगह होगी। नहीं वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बहुत ही आम सी जगह है। हरीशा हर वक्त बुराइयां करती रहती थी उसकी। उस वक्त करती होगी, लेकिन अब वो जगह उसके लिए बहुत खास है, क्योंकि वहां वो अपनी मामा के साथ जाती थी। मैं भी लड़की हूं ना, इसलिए कह सकती हूँ। मेरे लिए भी छोटी छोटी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं अपनी अम्मी के साथ किया करती थी। अरिशा तुम्हारी जैसी नहीं है। चलो बच्चों, जाओ देखो बेटा असला, अरिशा तैयार हो गई। आप तैयार नहीं हुई? नहीं मैं तो नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि मैं तो आया हूँ, आया घर वालों के साथ थोड़ी जाती है। आप जाओ बाबा के साथ एंजॉय करना। आप आया नहीं, आप आंटी हैं। बेटा मुझे घर में बहुत काम है, आप लोग जाओ। अगर तुम चाहती हो कि बच्चों की नजर में मैं विलन ना बनूं, तो चलो हमारे साथ, तैयार हो जाओ। मैं गाड़ी में बैठा वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। सुने मैं नहीं जा सकती, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो। कोई तुम्हें देख भी ले कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ महफूज हो। तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ सबका। चलो देखते हैं रिशा तैयार हुई कि नहीं। बाबा हम ताल जा रहे हैं, परेशान होटल में फ्राइड चिकन खाने। अगर वो रिशा की फेवरेट जगह है तो जा सकते हैं। मैं बताऊं? नहीं, अनाया बताएगी। मैं नहीं बताऊंगी, मुझे पता है इसको आइसक्रीम खानी। आइसक्रीम खानी है रिशा? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो चलो मूवी देखने चलते। भाई मूवी देखने हम तब जाएंगे जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, अभी हम अरिशा की फेवरेट जगह पे जाएंगे। आपको पता है अरिशा की फेवरेट जगह कौन सी है? हाँ मुझे पता है। इनको नहीं पता। आप तो कैसे बता दे, बाबा तो नहीं पता। इसलिए क्योंकि इनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। मुझे पता है बेटा। आपको पता है मुझे कौन सा कलर पसंद है? हाँ पता है, ब्लू। जी नहीं, ग्रीन। देखा, इनको ये भी नहीं पता कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, और इनको ये भी नहीं पता कि मेरा फेवरेट ड्रेस कौन सा है। इनको सिर्फ मेरे मार्क्स के बारे में पता है। अब देखना क्या होगा। क्या होगा? इसी तरह हम वापस घर चले जाएंगे और घर का ही खाना खाएंगे। अच्छा यहाँ जाने? नहीं। मैं ले चलती हूँ, आ जाओ। विशाल मुझे चल रही है। सब बन गई, कपड़े लपक छपक, शादी कर ली क्या, और तीन बच्चे भी पैदा कर लिए। बड़ी तेज निकली तुम तो। चलो सिला, जल्दी चलो। खबरदार ज्यादा चलाकी दिखाने की कोशिश की तो तू भी जाएगी, तेरे साथ ये तीनों बच्चे भी। और भूलना मत, तेरे शौहर और ससुराल का पता है मुझे, जाके बता दूंगी उनको कि तू बिना तलाक के किसकी बीवी बन के बैठी। बीवी नहीं हूँ, आया हूँ इन बच्चों की। कौन है आंटी? बेटा मैं आपकी आंटी की दोस्त हूँ,
सहेली पक्की वाली। ऐसी गंदी सी क्यों है? चुप हो जाओ सदा। तुम क्या चाहती हो? बताऊंगी, आराम से बता दूंगी। बर्ताव ज्यादा चालाकी की तुम तो जानती हो कि मेरी पहुंच कहां कहां तक है। कसम खुदा की इन बच्चों की हड्डियां तक नहीं मिलेंगी तुम लोगों को। ख्याल रखना अपना और इसका भी। से दोस्ती करोगी? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। तुम बहनों को आइसक्रीम भी खिलाऊंगी, टॉफियां भी दिलाऊंगी, समझ आया? चलो बात सुनो मेरी। रुको फोन, तुमसे फोन पे बात करूं। हम कहाँ जा रहे हैं? घर। कहीं और नहीं जा सकते? इनकी दादी के यहाँ या किसी रिश्तेदार के घर? सब लोग गाँव में रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। तो किसी दोस्त के घर ही चलते हैं। बच्चों के सोने का वक्त है, कल स्कूल है, हम कहीं नहीं जा रहे। खबरदार ज्यादा चलाकी दिखाने की कोशिश की तू भी जाएगी, तेरे साथ ये तीनों बच्चे भी। तुम तो जानती हो कि मेरी पहुंच कहां कहां तक है। कसम खुदा की इन बच्चों की हड्डियां तक नहीं मिलेंगी तुम लोगों। बच्चे सो गए? जी। चलो तुम जाओ ताकि मैं दरवाजा बंद करूं। मैं आज ही बच्चों के पास सो जाऊं? कहाँ सोगी, जगह ही नहीं है अभी तो। नीचे सो जाऊंगी, चादर और तकिया लेकर आ जाऊं। ठीक है। जो कुछ भी करना है करो, लेकिन बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। रामीन। जी आई। जी आई। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अब तक? बस सोने वाली थी। तुम बेड पे सो जाओ, बच्चों को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, अपने रूम में सुलाऊंगा। हाँ ये ठीक है। तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा? नहीं, आप अपने पास सुला लें इन्हें, ये ज्यादा अच्छा है। बच्चों के कमरे में है, जाग रही है। अभी सही जाग रहे तो वैसे भी अब उसे जिंदगी भर चैन की नींद नहीं मिलने वाली। ये सही ठीक कहते हैं आप। क्या बात है?
आज बहुत जल्दी में हो। हाँ वो कभी कभी रश में देर हो जाती है ना। विशाल स्कूल से बाहर मत निकलना, स्कूल के अंदर रहना जब तक बाबा ना आ जाए पैक करने के लिए। अच्छा बच्चे स्कूल में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। तुम क्या करोगी जब हम घर पर नहीं होंगे? काम करूंगी। काम या सफाया? सफाया नहीं, सफाई करूंगी। एक ही बात है। चलो बच्चो आंटी को देर हो रही है। अब आप गार्ड को साथ ले जाए ना। नहीं वो घर पर ही रहेगा। तुम्हारी चौकीदारी करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। याद है ना कैसे कैसे लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे? कोई बात नहीं मैं अकेली रह लूंगी, आप गार्ड को ले जाएं। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो बच्चो एक मिनट। बस जल्दी से जाइए। हेलो बाहर निकल, निकल बाहर, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। प्लीज मेरी मदद कर। मुझे नहीं पता। कोई आ रहा होगा, जब तुम दरवाजा खोल के बाहर खड़ी हो ना। नहीं तो आती है तो बता देना उसे। ये बाहर कौन लोग हैं? मुझे नहीं पता। बकवास मत करो, एक हाथ लगाऊंगा दिमाग से जाएगा तुम्हारा। चलो बुलाओ उनको अंदर। अभी तुम्हारे टोले को बंद करवाता हूँ थाने में। प्लीज नहीं, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे वो, तुम जानती नहीं हो मुझे। गलत आदमी से पंगा ले लिया तुमने। समझ करें बच्चों की जान खतरे में आ जाएगी। खबरदार जो बच्चों का नाम लिया अपनी जबान पर तुमने। बोटी बोटी करके चिलकवों को खिला लूंगा मैं। जो सलूक करना है करने। लेकिन फोन भी है तुम्हारे पास, उठा। नहीं उठा। यहाँ तेरे नौकर लेके बैठे हैं क्या? बाहर निकल, निकल बाहर। पर जिन बच्चों के लिए तुम मरी जा रही है ना, तेरे साथ उनको भी बाजार में बेच आऊंगी मैं। इस बार तू मेरे हाथों से नहीं निकल सकती। और बात सुन, ज्यादा चलाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। तेरे बच्चों का स्कूल जानती हूँ मैं, और वो जिस क्लास में है ना वो भी जानती हूँ मैं। उठवा लूंगी उन दोनों को मैं, समझ में आई? चलो आओ। रुक जाओ। हेलो जस। हाथ नहीं लगाओ, मैं बैठ तो रही हूँ। छोड़ो। ये पी ले। ये कौन है? कौन? आपके साईं। साईं शिराज? क्यों? मैं तो उन्हें ऐसी वैसी चीज समझती थी, आम सा आदमी। लेकिन वो साईं शिराज कोई आम आदमी नहीं है।
बहुत बड़े वडेरे हैं, गांव में इनकी बहुत जमीन है। तुम चल फिर कर अगर देखो तो हफ्तों गुजर जाएंगे मगर जमीनें खत्म नहीं होंगी। बाप दादा तो मिनिस्टर रहे हैं इनके और चचाओं की शुगर मिले हैं। तो फिर ये यहाँ क्यों रहते हैं? इनकी बीवी चाहती थी, उन्हें गांव की जिंदगी पसंद नहीं थी। वो कहती थी कि आम लोगों की तरह रहकर बच्चों की परवरिश करनी है। एक एक पैसा साईं ने बड़ी मेहनत से कमाया है, बड़े खुददार हैं साईं। बीच में तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया था मगर उन्होंने कभी अपनी माँ से एक पैसा नहीं लिया। अरे तुम्हारी बातें तो वो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना किसी की मजाल नहीं कि साईं के सामने ऊंचा बोल सके। मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया इन्हें। साईं को भी पता है कि तुम्हें ये बात पता नहीं है, इसीलिए वो बर्दाश्त करते रहते हैं। वरना किसी की जरूरत है कि उनके आगे सर उठा सके? ये तो गलत बात है, सर तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है मगर यहाँ का यही तरीका है, तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो इसी तरह रहना होगा, वरना जाकर किसी मस्जिद में बैठ जाओ। और क्या करना होगा? साईं के सामने ऊंचा कभी मत बोलना और बहस तो बिल्कुल नहीं करनी। जो साईं कहें जी साईं कहके उनकी हर बात को मान लेना है, चाहे वो कुछ गलत ही क्यों ना कहें। अरे उनकी वजह से ही तो आज तुम आराम से आजाद फिर रही हो और वो लोग जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे जेल में बंद है। ऐसे साईं की तो हर गलत बात को भी सही समझना चाहिए और कम से कम इज्जत और एहतराम की वजह से सर को ऊपर नहीं उठाना चाहिए। बच्चे नहीं आए स्कूल से अभी तक? बच्चे आज स्कूल नहीं गए, उन्हें उनकी दादी के यहाँ भेज दिया था। रामीन, बैठो। नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, तुम आराम से जहाँ दिल चाहे जा सकती हो। ठीक है। वो कह रही थी कि तुम शादीशुदा हो। जी मैंने आपको बताया था। क्या नाम है तुम्हारे शौहर का? आजर। वो तुम्हारी बहन का देवर है? जी चाचा साहब देवर। तुमने अपनी बहन से मिलने की कोशिश की? क्यों? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे नहीं होता, तुम आखिर किसी की बीवी हो, कब तक ऐसे बैठी रहोगे? सारी जिंदगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मसला है लेकिन तुम्हें या तो अपने शौहर के पास होना चाहिए या फिर उसे तलाक लेनी चाहिए। कल तक सोच के मुझे बता देना। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो। कैसे बोलूं? आप साईं जी हैं, आप जो कहेंगे आपकी बात मानूंगी मैं। किसी ने बकवास की है तुमसे? मुझे पता चल गया कि आप वडेरे हैं, मुझे माफ कर दें लेकिन मैं ये फैसला इतनी जल्दी नहीं कर सकती। अगर आप मुझे अपने घर में नहीं रख सकते तो आप मुझे अपने गांव भेज दें, मैं आपकी जमीनों पर सारी जिंदगी काम कर लूंगी। जमाल, जमाल। जी साईं। तुमने कुछ कहा इससे? नहीं साईं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर तुम मेरे मामले में बोले तो तुम्हें वापस भिजवा दूंगा, पर रहना सारी जिंदगी गांव में, शक्ल मत दिखाना मुझे तुम अपनी। नहीं साईं ऐसा नहीं करें, मुझे माफ कर दे साईं, मुझसे गलती हो गई है। मैं अपनी जान दे सकता हूं साईं आपके लिए लेकिन आपसे दूर नहीं रह सकते साईं। अच्छा बस ठीक है ठीक है, चलो जाओ देखो बच्चे कहां पहुंचे, क्यों नहीं आए अब तक। जी साईं। क्यों आ गई? मैंने तो कहा था सिर्फ बच्चों को भेज दें। ऐसे कैसे भेज देती? तुमने अचानक तीनों को मेरे पास भेज दिया। तुम्हें पता है मैं बच्चों को देख के कितना डर गई थी? हुआ क्या था? कुछ नहीं। झूठ ना बोलो, जरूर कोई ना कोई बात हुई है वरना तुम स्कूल के बजाय बच्चे मेरे पास भेजते। अस्सलाम वालेकुम। ही कह रहा है बच्चों के लिए रखा है। पढ़ी लिखी हो? जी बीए पास। कहाँ की हो? पिंडी की। गोठाई कह के घुराए बैठे यहाँ,
इनके रखने की कड़ी जरूरत नहीं। अम्मा इसको और बच्चों को सिंधी नहीं आती, उर्दू में बात करें आप। बैठो रूम। ये सोफे पे बैठेगी तो और कहाँ बैठेगी? पर ये मेरी माँ है, बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। ये बच्चों से बड़ी बच्ची है, अरिशा जो यहीं पे गई है। जब तो तुम यहाँ रहोगे इन तीनों के साथ तुम्हें इनका भी ख्याल रखना है। ये आया है या नर्स? ये यहाँ सब कुछ है, पूरा घर ये चला रही है। थोड़ी सी बेवकूफ है लेकिन आपको बुरी नहीं लगेगी। चल जाओ बच्चों, दादी को उनका कमरा दिखा दो। शहर में रही डाटो तू बदल जाएगा। हाँ तू नौकरा नहीं, बारन जैसा मुँह मुसा ही गल हैंगे। मेरी क्या मजाल कि मैं आपको बातें सुनाऊं? ये सब जानते हैं कि आप मेरी अम्मा है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। चले जाए रूम में। चले ना दादी, चलते हैं। चले उठिए। कहानी सुनोगे? जी अभी। और तुम भी चलो। अगर वो जो शलवार में डालते हैं। क्या चीज? वो जिसे जिसे शलवार बांधते हैं। अच्छा अच्छा, जारवन, वो मैंने यहाँ पे रखा है। आपकी कंघी और चंदनदानी भी यहीं पे है। आप मुझे बताएं कि रात में क्या पहन के सोएंगी? वो भी हैंग कर देती हूँ। वो फेरोज भी डाल। सारा दिन इतना काम करती है जो दिखाने के लिए कर रही है। इससे भी ज्यादा हर वक्त काम काम काम। हाँ, सिर्फ काम काम काम। क्या वो? वो कुछ नहीं, मैं बच्चों से पूछ रही थी खाना किस वक्त लगता है। नहीं नहीं, ये पूछ रही थी कि आप काम करती हैं या बस दिखाने के लिए करती हैं। तुम बहुत शरीर हो गई हो, इतना भूलती हो। जाओ देखो बाबा क्या कर रहे हैं। असल में बेटा वो मैंने किसी लड़की को कभी इतना काम करते हुए देखा नहीं, इसलिए पूछ रही थी और हैरान हो रही थी। नहीं, सारी लड़कियां इतना ही काम करती हैं। अरे रहने दो, आजकल लड़कियां हिलकर पानी तक नहीं पीती। तुम्हारी माँ ने वैसे तुम्हारी बहुत अच्छी तबीयत की है। कहाँ होती हैं, पिंडी में या कराची में? अल्लाह मियाँ के पास है। इंतकाल हो गई। और अब्बा? उनका भी। हाय, यतीम हो? यतीम हो, बेआसरा नहीं। अल्लाह ताला ने साईं जी का इतना बड़ा सहारा दे दिया। उन्होंने मुझे छत दी, इज्जत दी, मेरे लिए यही बहुत है। कब से रह रही हो यहाँ? पता नहीं, मुझे तो लगता है हमेशा से यहीं रह रही हूँ। आपके लिए चाय बना दूँ या अब खाना ही खाएंगी? नहीं, मैं खाना ही खाऊंगी, लेकिन मेरे पास बैठो, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लग रही है। क्या हुआ? वो किचन में कुछ काम छोड़ कर आई हूँ, आप कहीं तो करके आ जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ कर लो बेटा। सबेरे हेलो। हाँ हाँ ठीक हूँ, खैरियत से पहुंच गई, बस पैरों में थोड़ा दर्द है। सुनो, एक लड़की है पिंडी की, उसके लिए मुझे मालूमात तो करके दो। बहुत प्यारी है, नाम वो तो मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा मैं पूछ के फिर तुम्हें बताती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। भाई तुम लोगों का खाना बहुत देर से लगता है। आज ही देर हो गई है, ये तो ठीक 8 बजे खाना लगा देती है। रामीन मुझे डाल देना। इसका नाम रामीन है? आंटी मुझे दोष। आंटी मुझे सब्जी नहीं खानी। खानी पड़ेगी आपको। नहीं। अच्छा एक निवारा खा लो वरना गोभी नाराज हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं गोभी खा लेती। और आलू का क्या होगा? इसकी बात पक्की हो गई है जी।
बता दो। अब ठीक है? ठीक है। ऐसा मैंने क्या कह दिया था कि निवाला तुम्हारे गले में फंस गया? की आपने सी बात? क्या बात थी? कुछ नहीं, आइंदा आप ये बात भूल के भी ना सोचिएगा और ना ही दिल में लाइएगा। अरे दिमाग को तो काबू में कर लो, दिल को कैसे करूंगी? जैसे भी, पता पता होता नहीं जो दिल में आता कह देती है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था। अच्छा बस, बाद में बात करेंगे इसमें। तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर बाद खाना खा लूंगी। क्या बात, मैं खा लूंगी, बैठो अभी खाओ। डांट क्यों रहे हो, आराम से बात करो। सुनती नहीं है माँ। अब देखिएगा, जब तक एक एक चीज का नाम ना लू ना तब तक लेगी नहीं वो। सालन लो। रोटी लो। ये देखो, ये हरकतें शुरू कर दी हैं। अब देख क्या रही हो, खाना खाओ। चलो ठीक है, कल बात कर लेता हूँ आपसे। ओके ओके, खुदा हाफिज़। आप यहाँ क्या कर रही हैं? देख रही हूँ तुम्हारा कमरा वैसे का वैसा है, कुछ भी तो नहीं बदला। जब मैं वैसा का वैसे ही हूँ तो कमरा कैसे बदल सकता है? तुम बदलोगे तो कमरा बदलेगा ना। तो माँ फिर शुरू हो गई, मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता। तुम ना सोचो, लेकिन मुझे तो सोचने से नहीं रोक सकते। अच्छा ऐसा करो, कमरे को छोड़ो, तुम घर ही बदल डालो। वो भी बस चुप रहती है मेरी।